अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं रोड साइड पर मिलने वाले, ठेले पर मिलने वाले भुर्जी पाव। इसको हमने यहाँ पर घर पर बनाकर तैयार किया है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमने बनाया है। इसे आप नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं या फिर शाम के नाश्ते में बनाकर ज़रूर खाएँ। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ठेले वाले जो होते हैं वो बड़े से तवे पर बनाते हैं, लेकिन हमारे पास बड़ा तवा नहीं है तो हम इसको पैन में बना रहे हैं। तो इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और यहाँ पर 3 से 4 हमने बड़े प्याज ले लिए थे, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें हमने डाल दिया है। और इसको चलाते हुए अच्छी तरीके से हम प्याज को थोड़ा सा नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, लाल नहीं करेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च हमने बारीक काट करके इसमें डाल दी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो हरी मिर्च को ज़रूर डालें। तो प्याज के साथ ही इसको हमने थोड़ा सा भून लिया था, तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो 4 से 5 बड़े टमाटर हमने लिए थे, इसको भी हमने फाइन चॉप करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो चॉपर में इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर चिकन मसाला पाउडर डाल दिया है। तो आप जब भी भुर्जी बनाएं तो चिकन मसाला पाउडर ज़रूर डालें। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। इन मसालों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है भुर्जी में, तो ज़रूर डालें। तो जब भी आप अंडे की कोई भी रेसिपी बना रहे हो तो उसमें चिकन मसाला पाउडर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए हमने सारे मसालों को चलाते हुए अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भून लिया है। तो प्याज तो सॉफ़्ट हो चुकी है, टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। और यहाँ पर 5 से 6 अंडे हमने ले लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से पहले हम फेंट लेंगे डालने से पहले। इसको डायरेक्टली हम अंडे को पैन में नहीं डालेंगे, अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। तो ये देखिए अंडे को फेंट कर हमने डाल दिया है। तो इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से हमारे मसालों के साथ, प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छा सा स्क्रम्बल कर लेंगे, जैसे कि कीमा बनता है उसी तरीके से। इसको चलाते रहें। तो ये देखिए चलाते हुए हमने अच्छी तरीके से इसको स्क्रम्बल कर लिया है, अच्छी तरीके से एक एक पीस अलग हो चुका है। और इसको हाई फ्लेम पर इसी तरीके से हम भून लेंगे। तो अब हम इसमें ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल देते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है धनिया पत्ती का, तो इसको ज़रूर डालें ऊपर से। और इसको एक बार फिर से हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी भुर्जी स्ट्रीट स्टाइल, रोड साइड स्टाइल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए भुर्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ऊपर से अब हम यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, फ्रेश हमने कूट कर इसको डाला है। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक दूसरे बर्तन में, एक दूसरे प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब फिर से गैस को ऑन करके पैन को हमने उसी पैन को रख लिया है। इसमें 1 टीस्पून बटर हमने डाल दिया और थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर ऊपर से छिड़क दिया है, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। और अच्छी तरीके से बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। और यहाँ पर हमने 4 पाव ले लिए हैं, इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको रोस्ट कर लेंगे बटर में। अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा सेक लें, ताकि भुर्जी के साथ जब हम इसको खाएं तो बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही टेस्टी लगे। तो दोनों तरफ से पाव को अच्छी तरीके से सेक लें। ये देखिए पाव को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लिया है, तो ये सर्व करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए इस प्लेट में हमने प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ और नींबू के साथ इसको सर्व किया है, पाव और भुर्जी को। तो ये हमारी रोड साइड स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल हमारी भुर्जी पाव बनकर तैयार है। इसको हमने सर्व किया है
तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये भुर्जी पाव की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।